नमस्कार, स्वागत है आपका हरियाणा न्यूज में। आप देख रहे हैं बड़ी खबर, आपके साथ मैं हूं भुवन शर्मा। बड़ी खबर में आज हम बात आजादी के बाद की गुलामी की करेंगे। एक तस्वीर हम आपको दिखाएंगे, एक ऐसी जगह की तस्वीर होगी जिसको देखकर आप भी हैरान हो जाएंगे और सियासतदान भी शर्मिंदा होने पर मजबूर हो जाएंगे। देश को आजाद हुए 68 साल हो चुके हैं, लेकिन फरीदाबाद जिले का बलीपुर गांव अभी गुलाबी में जी रहा है। कितनी सरकारें बदल गईं, लेकिन इस गांव का नसीब नहीं बदला। विकास सरकारी फाइलों तक सिमट कर रह गया, लोगों की आवाज नक्कार खाने की तूती बनकर रह गई। न सरकार ने सुना, न नेताओं ने देखा, न अधिकारियों ने सुध ली। गांव की गलियां कीचड़ से दलदल बनी हैं। सुविधाओं के अभाव में लोग नारकीय जीवन जीने को मजबूर हैं। विकास यहां पहुंचने से पहले दम तोड़ देता है। गरीब परिवारों को पक्के मकान भी नसीब नहीं, शौचालय बनाने के लिए फूटी कौड़ी तक नहीं मिली। खुले में शौच जाना लोगों की मजबूरी है। जच्चा बच्चा के लिए स्वास्थ्य की सुविधा नहीं। महिलाएं प्रसव और टीकाकरण के लिए दूसरे गांव जाती हैं। लड़की होने पर मिलने वाला पैसा भी यहां नहीं मिलता। आंगनबाड़ी महीने में केवल 2 बार खुलता है। इलाज न मिलने से नवजात बच्चे मौत का शिकार हो रहे हैं। बल्लीपुर मोहना, इस गांव में आशा वर्कर पहले से जो हमारी सारी सुविधा होती थी, अच्छा, अब आशा वर्कर कोई और बन गई बाहर से, जो हमारे ना जच्चा की और ना बच्चे की जांच हो रही, अच्छा, ना हमारे बच्चे की तुलाई हुई, अच्छा, और ना हमारे टीके लगे। हमने सरकारी अस्पताल में खुद गए, खुद इंजेक्शन लगवा के आए, अच्छा, अस्पताल में, और डिलीवरी के साथ हमने फोन किया आशा वर्कर के द्वारा, जो आशा वर्कर ने मना कर दिया। फिर हमने गाड़ी पे फोन किया, अच्छा, गाड़ी हमारी नहीं आई एम्बुलेंस। फिर हमने खुद की घर की गाड़ी करके 1200 रुपए में, अच्छा, जब हम ले गए मोहना। हमारे तो सारी समस्या ही समस्या है। हमारे पे बीपीएल कार्ड हमारे पे नहीं है जी। 2-3 वर्ग बीपीएल कार्ड बन गए, बदल गए। हमारा जब भी वैसा ही बना उस पर कुछ नहीं मिलता जी हमें, अच्छा। राशन मिलता ना कुछ नहीं मिलता उस पर, खाली वो वैसे ही है। मट्टी का तेल भी नहीं मिलता उस पर जी। आज 15-16 साल हो रहे, 15-10 साल तो हमारा ब्याह को हो रहा, ना हमारा कार्ड है ना कुछ ही है, मतलब ना कलोनिया जिनके कोठी बिल्डिंग है उनके घर मकान बन रहे, सरकार उन्हें भी दे रही, हमें कुछ नहीं दे रही। 14 साल विकास को आईना दिखाती ये उस दौर की हकीकत है जब अपनी ठसक से हिंदुस्तान दुनिया बदलने के लिए कसमसा रहा है। हरियाणा की सरकारें नंबर 1 होने का ढोल पीट रही हैं और सियासतदान अपने वादों पर इतरा रहे हैं, लेकिन सूबे का ऐसा गांव सबको एक एक कर बेपर्दा कर रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा। ये सब कुछ हो रहा है एक ऐसे जिले में जिसको हम NCR कह रहे हैं और जिसके लिए कहा जा रहा है कि एक स्मार्ट शहर या स्मार्ट जिला बनने की ओर आगे बढ़ेगा। हम कुछ सवाल यहां पर उठा रहे हैं, हरियाणा न्यूज बड़ी खबर के इस मंच से कुछ बड़े सवाल उठा रहा है। सवाल ये कि क्या विकास के नाम पर सरकारें ईमानदार नहीं रही हैं? सरकार के सभी वादे बस चुनावी होते हैं? ये कुछ सवाल जो इस खबर से जुड़े हुए, क्या लोग केवल वोट बैंक बनकर रह गए हैं? सिर्फ उनसे वादा किया जाता है, वोट वसूला जाता, क्या विकास के नाम पर लोगों के साथ धोखा हो रहा है? क्या विकास के नाम पर सरकारें ईमानदार नहीं रही हैं? क्या नियत में खोट हो चला है? तो कुछ सवाल हरियाणा न्यूज बड़ी खबर के इस मंच से उठा रहा है। ये सवाल आप देख भी रहे हैं, क्या लोग केवल वोट बैंक बनकर रह गए? ये कुछ सवाल इसलिए भी जरूरी है क्योंकि विकास के वादे दावे बड़े बड़े किए जाते हैं, लेकिन हकीकत इससे बिल्कुल जुदा होती है। फरीदाबाद का अगर हम जिक्र कर रहे हैं तो हम भूलें ना कि ये वो जिला है जिसको स्मार्ट सिटी के तौर पर भी नामजद किया गया है, जिसको NCR का तमगा भी दिया गया, लेकिन ये सब हो रहा है। यहाँ पर एक गांव ऐसा भी जो तमाम सुविधाओं से पूरी तरह से महरूम है। हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक महेंद्र सिंह जी इस वक्त स्टूडियो में। पहली प्रतिक्रिया महेंद्र सिंह जी आपकी, ये जो तस्वीर हम दिखा रहे हैं
एक ऐसा गांव जो पूरी तरह से अनाधुनिक है इस दौर में। देखो भुवन जी, आपने बहुत बड़ी खबर का खुलासा किया है। अच्छा होता कि इसमें गांव के सरपंच का भी कथन आता, है ना। कोई बात नहीं, सवाल यह है कि गांव का सरपंच कहाँ है और क्या कर रहा है, जो अब तक पंचायतें चुनी गई है, और इस जो अब ये पंचायत चुनाव का जो समय चल रहा है इसमें ये गांव क्या कर रहा है, कौन लोग चुनाव लड़ने के लिए सामने आ रहे हैं, ये क्षेत्रीय सांसद के कामकाज के ऊपर भी निशान है, क्षेत्रीय विधायक के ऊपर भी सवाल या निशान है, सरकार प्रशासन सब पूरा एक जो पूरा सिस्टम है ना, सबकी जवाबदेही बनती है कि आखिर क्या वजह है कि विकास की रोशनी का कोई कतरा इस गांव में क्यों नहीं पहुंचा, जवाब देना चाहिए। इसमें एक जो तथ्य मुख्य रूप से छुपा हुआ है जिस पर सोचना चाहिए, काम करना चाहिए, जो आज तक की राजनीति में, चुनावी राजनीति में नहीं हुआ है। दरअसल जब चुनाव का समय होता है और नेता लोग वोट मांगने जाते हैं, संसदीय क्षेत्र बड़ा होने की वजह से जो उम्मीदवार होते हैं एक एक गांव में क्षेत्र में नहीं जा पाते, वहां उनकी सिर्फ अपील पहुंचती। एक बार सुनिए, तो कार्यकर्ताओं की यह जिम्मेदारी है कि अपने सांसद को, जहां सांसद नहीं पहुंच पाते चुनाव के दिनों में, वहां की एक एक वस्तु स्थिति की जानकारी दे, समस्याओं से अवगत कराए और विकास क्यों नहीं हो रहा है यह भी बताए। ये एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, लेकिन होता यह है कि कार्यकर्ता है पार्टियों के अब नहीं है, नेताओं के कार्यकर्ता हैं, वो उनके ऊपर डिपेंड करता है कि वो वहां की जानकारी दे ना दे। इसलिए जो अधिक से अधिक गांव है, मैं चाहता हूं कि इस पर हम थोड़ी सी जानकारी और ले लेते हैं। हमारे संवाददाता अनिल राठी इस वक्त फोनलाइन पर हमारे साथ हैं। अनिल, वहां के सरपंच का इस बाबत क्या कुछ कहना है, लोग क्या कह रहे हैं, जिस तरह का ये पूरा मामला सामने आया है, ऐसा नहीं लगता कि देश को आजाद हुए आज 68 साल हो गए हैं और ये इसी आजाद देश की के एक कोने की ये खबर हम दिखा रहे हैं, ऐसा लग नहीं रहा है। सरपंच क्या कुछ कह रहे हैं इस पर? देखिए, आपको बता दें, जब हमने गांव से, जब हमारे पास फोन आया, जब हमने गांव में जाकर के इस पूरे मामले की जानकारी लेने के लिए जब हम गांव में पहुंचे, तो वहां का हम खुद भी दंग रह गए, क्योंकि अधिकतर जो वहाँ गांव की आबादी थी लगभग 400 के आसपास परिवार उस जो है कस्बा, एक गांव से अलग कस्बा बना रखा उसमें रहते थे, लेकिन उन लोगों को सर ढकने के लिए ना तो उनके पास मकान थे, ना ही उनके महिलाओं के लिए शौचालय की व्यवस्था की गई थी, मतलब बिल्कुल ही घास फूस के अंदर वो लोग एक तरीके। क्या सरपंच से बात हुई आपकी? जी देखिए, पूरे इस मामले में जो सरपंच से बात की गई, तो सरपंच का साफ तौर से कहना था कि जो स्कीम है, गवर्नमेंट की जो स्कीम है उसके तहत ही हम उनको, सरपंच का ये कहना था कि पहले लैट्रिन शौचालय बनाना पड़ता है, जो इनके अकॉर्डिंग है कि शौचालय बनाने के बावजूद वो पैसे देते हैं। चलिए, हमारे साथ बल्लभगढ़ से विधायक इस वक्त फोन लाइन पे जुड़ गए हैं, मूलचंद शर्मा जी हमारे साथ फोन लाइन पे हैं। सर, मेरी आवाज सुन पा रहे हैं आप? हेलो मूलचंद जी, मेरी आवाज मिल रही है आपको? हाँ, मैं आपकी आवाज सुन रहा हूँ। मूलचंद जी, बलीपुर गांव का हम जिक्र कर रहे हैं, यहाँ पर सुविधाओं का पूरी तरह से टूटा है, क्या कहेंगे आप, चाहे बात शौचालय की कर लीजिए या फिर जच्चा बच्चा की कर लीजिए, टीकाकरण की कर लीजिए, चाहे फिर पक्के मकान की कर लीजिए, कुछ भी यहाँ पर नहीं है, एक विकास की एक किरण तक यहाँ नहीं पहुंची है, क्या कहेंगे आप, आपकी सरकार को 1.5 साल हो गया है। मैं बली गांव की बात कर रहे हैं, आप कौन से गांव की बात कर रहे हैं? बलीपुर गांव की बात कर रहे हैं। हेलो, बलीपुर गांव की बात कर रहे हैं सर? बलीपुर गांव पृथला गांव में, पृथला विधानसभा में आता है। और कोई गांव ऐसा नहीं रहेगा, कांग्रेस सरकार ने तो 60 साल में जो करा है, पर भारतीय जनता पार्टी मनोहर लाल खट्टर जी के नेतृत्व में हर गांव को सड़क से, पानी से, शौचालय जोड़ा जाएगा। लेकिन सर, मेरी आप जो मैं आपको बता रहा हूँ ये बातें फैक्ट्स हैं, ये तस्वीरें हमारे पास है, वहां के लोगों के बयान हमारे पास है, हमारे रिपोर्टर इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पे हैं। यहाँ पर महिलाएं प्रसव और टीकाकरण के लिए दूसरे गांव जाती हैं, मकानों की, पक्के मकानों की व्यवस्था होनी चाहिए थी, लेकिन वो व्यवस्था सिर्फ फाइलों में है, आज भी वो कच्चे मकान में रह रही है, शौचालय वहां है नहीं। आपकी सरकार को 1.25 साल हो गया है, आप ये कांग्रेस पर आरोप लगा रहे कि पिछली सरकार ये करके गई, आपकी सरकार ने इस 1.25 साल में क्या कर दिया इस गाँव के लिए? हमने अभी जितने गांव कच्चे मकान हैं, बीपीएल के अंदर आते हैं या सड़कें हैं, उन सब का हमने सबकी शुरुआत करी है। उन गांव में किसी भी गांव के कच्चे मकानों में रहते हैं, सड़क नहीं है, उन सबको बनवाने का हम कार्य करेंगे। 1.25 साल हमें
आज 14 महीने सरकार को हुए हैं। उन जितने गांव में बलीपुर गांव आता है क्या ये बताएं? बल्लौड़ में बलीपुर गांव नहीं आता। नहीं आता है, मतलब इसकी अनदेखी की आपकी सरकार ने, आप मान रहे हैं? नहीं, मैं सरकार के अनदेखी नहीं, हम तो करेंगे काम, हमें तो करना है। नहीं, अब तक नहीं हुआ ना सर। नहीं, अब पंचायत के चुनाव आ गए, 6 महीने पंचायत के चुनाव में लटके रहे काम। चलिए मैं महेंद्र सिंह जी आपके पास भी आऊंगा। केवल ढींगरा साहब हमारे साथ कांग्रेस के प्रवक्ता इस वक्त फोन लाइन पे हैं। केवल ढींगरा साहब, आप सब सुन रहे होंगे, क्या कहना है आपका? जो बातें मूलचंद शर्मा जी कह रहे हैं वो कितनी सही है? देखिए, इस सरकार ने वादे तो बहुत बड़े अच्छे दिनों भी किए थे, लेकिन लोगों के अच्छे दिन जो है वो बुरे दिनों में तब्दील हो गए, क्योंकि ये अच्छे दिनों के नाम लेके सरकार सत्ता में आई थी। और प्रधानमंत्री मोदी जी ने आगे कितनी रैलियां करी इलेक्शन के टाइम पे, और लोगों को ये आश्वासन दिया था कि हम आएंगे तो 15-15 लाख रुपए लोगों के खाते में डालेंगे, लोगों के अच्छे दिन आ जाएंगे, लोगों के साथ उनको बिजली हम 24 घंटे हर गांव में फ्री देंगे, उनको रोड और ये सारी। चलिए ठीक है, आप आरोप लगा रहे हैं, लेकिन केवल ढींगरा साहब, आजादी के 68 सालों में सबसे ज्यादा सत्ता में आप ही की पार्टी रही है, तो तब भी ये गांव तो ऐसे ही था ना? उस गांव का विकास आपने कैसा किया है वो तो ये सब कुछ दिखाई दे रहा है। देखिए, हमने काम करने का काम किया, हम पंचायतों को सुधार के लिए डायरेक्ट सरपंचों को अमाउंट देते थे उनको गांव को डेवलप करने के लिए। हाँ। इन्होंने सारी सुविधाएं बंद कर दी। आज 15 महीने हो गए इनकी सरकार को, उस टाइम पे जितने काम थे वो रोक दिए। पंचायत के इलेक्शन ये कराना नहीं चाहते कि सुविधाएं पंचायत को मिल सके। पंचायत के इलेक्शनों में इन्होंने 3 बार कोर्टों में जाते रहे, और अब कोर्ट में जाने के बाद अब फैसला आया तो अब भी चुनाव कराने की बात हो रही है। ठीक है, वो मसला अलग है, लेकिन गरीब लोगों को मकान की जो व्यवस्था थी क्या आपने दी क्या? देखिए, पक्के मकानों की जो 10 साल आपकी पार्टी सत्ता में रही, क्या आपने इस गांव की समृद्धि के लिए, इसको विकास की मुख्य धारा से जोड़ने के लिए कोई कदम आपकी सरकार ने उठाया हो तो आप मुझे गिना दीजिए। मेरे साथ हमारे संवाददाता भी जुड़े हुए, उनसे भी जान लेंगे। हरियाणा की पूरी स्टेट के अंदर जितने गांव हैं उसमें हमने सरपंचों को सीधी अमाउंट देने का काम किया, उनकी डेवलपमेंट का काम किया। जहां तक इस गांव का है, ये बोल देने से नहीं होता है केवल ढींगरा साहब, तस्वीरें कुछ और बोल रही हैं, तस्वीरें कुछ और बता रही हैं। मैं ठीक है वापस आऊंगा आपके पास। महेंद्र सिंह जी क्या कहेंगे आप दोनों की बातों को सुनकर, आरोप प्रत्यारोप की राजनीति से इतर गंभीरता इस मामले को लेकर क्या अभी भी दिखाई दे रही है? नहीं, वो जिस तरह के आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं बहुत स्पष्ट है कि ये मामले को लेकर कतई गंभीर नहीं है। अगर संवाददाता अगर वहां पर मौजूद है तो इस बात को जानने की बहुत जरूरत है कि गांव की रेट ऑफ लिटरेसी क्या है, ये बहुत जरूरी है। और इस बात को भी जानना बहुत जरूरी है कि पिछले इतने साल हो गए, इतने सालों में कौन कौन जनप्रतिनिधि चुनाव के दौरान उस गांव में गया और क्या वादा कर गया, क्या बात कह के आया, और क्या चुनाव के बाद वापस स्थिति को जानने वो वहां पर गया। ये स्थानीय लोगों से ये जानकारी लेनी चाहिए, इससे क्या है कि व्यक्ति की स्थिति बहुत स्पष्ट रूप से सामने आती है। ये बहुत महत्वपूर्ण कंटेंट है कि आप वोट मांगने तो चले जाते हैं, लेकिन उसके बदले में आप क्या देते हैं? गांव में कौन गया, कौन नहीं गया, कौन अधिकारी है, क्या गांव के लोगों ने आज तक डिप्टी कमिश्नर को देखा है, नहीं देखा है, अपने सांसद को देखा है, नहीं देखा है, विधायक को देखा है, नहीं देखा है? ये बहुत बड़ी बात है, ये जानना बहुत जरूरी है। खाली आरोप प्रत्यारोप से कोई मतलब नहीं होगा। अभी जैसे एक मिनट, आप एक सवाल बहुत महत्वपूर्ण है, क्या क्षेत्रीय विधायक उस गांव में चुनाव के दौरान गए थे? क्या उनको गांव की स्थिति का पता है कि क्या है क्या नहीं है? चलिए, ये तमाम सवाल मेरे रहेंगे, हम आगे भी इस पर जारी रखते हैं बहस अपनी। बहुत शुक्रिया मूलचंद शर्मा जी, आप हमारे साथ जुड़े। केवल ढींगरा साहब, आप फोन लाइन पर हमारे साथ बने रहिए। एक छोटा सा ब्रेक हम ले रहे हैं, ब्रेक के उस पार जल दूंगे आज। चल मैं निकल रहा हूँ। ओके। और ये तेरे लिए। ये किस खुशी में? एक तो आज तेरा मैच है, और अरोरा अंकल के घर में भी तो। बाय। आपकी जरूरतों को वही समझते हैं जिनके लिए स्पेशल हैं आप, जैसे डिश टीवी ओनली फॉर यू। 999-0599-05 पर आज ही कॉल करें और पाए ऑफर्स जो है खास आपके लिए, क्योंकि स्पेशल हैं आप। जय गोगा जी हेयर ऑयल, गंजेपन में दोबारा बाल उगाएं, बालों का झड़ना रोकें। मेरा नाम अजय कुमार है, मैं गुड़गांव का रहने वाला हूँ। मैं झड़ते बालों से बहुत परेशान था, तकरीबन 1 महीने से गोगा जी का हेयर ऑयल इस्तेमाल कर रहा हूँ, मैं काफी खुश हूँ। बालों को लंबा और
बार घना करें तो अपना है जय गोगा जी हेयर ऑयल। शेर हरियाणा भाई गोपाल कांडा का जन्मदिन सद्भावना दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। दिनांक 29 दिसंबर 2015 मंगलवार, समय प्रातः 10 बजे, स्थान अग्रवाल व अरोड़ वंश सेवा सदन, नजदीक परशुराम चौक सिरसा। रक्तदान शिविर का उद्घाटन श्री गोविंद कांडा करेंगे। संजीवनी अस्पताल की ओर से विशाल निशुल्क मेडिकल कैंप लगाया जाएगा। विशेष आग्रह, आप सादर सपरिवार आमंत्रित हैं। वो कौन है, वो कौन है जो खुशबू लाता है, स्वाद बढ़ाए खाने में और सेहत बनाता है, तो बोलो बोलो। पापा। मम्मी। खाने को टेस्टी बनाता है लक्ष्य शुद्ध देसी घी, खुशबू और स्वाद में हिट, सेहत को रखे फिट। लक्ष्य शुद्ध देसी घी, स्वाद और सेहत की बात शुद्धता के साथ। सरकारी नौकरी मिलती नहीं या आप लेते नहीं, बेरोजगार रहने के दो कारण हैं, या तो आप कोशिश नहीं कर रहे या आपकी दिशा गलत है। सरकारी नौकरी कैसे पाई जा सकती है, देखिए हमारा खास कार्यक्रम कैसे पाएं सरकारी नौकरी, हर रोज दोपहर 2:30 बजे। कहते हैं पूजा में बड़ी शक्ति होती है। हम किसी भी शक्ति की आराधना करते हैं तो ये शक्ति अपने भक्तजन की आराधना से खुश होकर साकार या निराकार रूप में हमें आशीर्वाद प्रदान करती है। लालवट तेल, एक ऐसा तेल जिसका दिया जलाकर आप ब्रह्मांड की अनंत शक्तियों से आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं। हम आपको एक जानकारी अवश्य देना चाहेंगे कि आप पूजा में असली लालवट तेल ही प्रयोग करें। लालवट तेल खरीदने से पहले लालवट तेल की पैकिंग ध्यान पूर्वक देख लें। लालवट तेल की शीशी पर होलोग्राम लगा हुआ है, शीशी पर बारकोड अवश्य ही देख लें। शीशी के ढक्कन पर भी लालवट अवश्य देख लें। शीशी के डिब्बे पर भी होलोग्राम अवश्य ही देखें। अन्यथा बहुत से लोग गलत तरीके से लेबल लगाकर डुप्लीकेट लालवट तेल बेच रहे हैं। गुरुजी द्वारा बताया गया एकमात्र यही तेल पूजा में प्रयोग करें। ये पूर्ण रूप से असली है, पहचान देखकर ही लालवट तेल खरीदें। और अधिक जानकारी के लिए आप दिए गए फोन नंबर पर संपर्क करें। हरियाणा फ्रेश शुद्ध घी का नाम बड़ा, शुद्धता की कसौटी पर खरा, घर के घी जैसा स्वाद मन भाए, जो भी खाए तंदुरुस्ती पाए। हरियाणा फ्रेश एक बाग शुद्ध घी, स्वाद घर के घी जैसा। हरियाणा फ्रेश शुद्ध घी। ब्रेकिंग न्यूज, 10 सालों से हरियाणा का लोकप्रिय चैनल अब डिश टीवी पर भी उपलब्ध। डिश टीवी के चैनल नंबर 804 पर देखिए हरियाणा न्यूज, सच के साथ खबरें बेबाक। आप हरियाणा न्यूज को लाइव भी देख सकते हैं, कहीं भी कभी भी। ब्रेक के बाद बड़ी खबर में एक बार फिर आपका स्वागत है। बड़ी खबर में हम बात एक ऐसे गांव की कर रहे हैं जहां विकास पहुंचने से पहले ही दम तोड़ देता है। तमाम वो मापदंड, तमाम वो मुद्दे, तमाम वो नीतियां जिसको लेकर केंद्र सरकार बड़ी बड़ी बातें करती है, चाहे फिर वो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बात हो, गांव को आदर्श बनाने की बात हो, महिलाओं को सशक्तिकरण करने की बात हो, गांव को मुख्यधारा से जोड़ने की बात हो, ये तमाम बातें यहां बलीपुर गांव आकर बेकार साबित लगती हैं। इन तमाम मुद्दों पर ये गांव खरा नहीं उतर रहा है, वजह क्या है इसको हम ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। सरपंच से भी बात करने की कोशिश जब हमारे संवाददाता ने की तो उन्होंने कुछ कमियों को स्वीकार किया और कहा कि आगे से हम इसको ठीक कर लेंगे, लेकिन अब तक जो तस्वीर आप देख रहे हैं ये पिछले 68 साल, आजादी के 68 सालों के बाद भी ये तस्वीर ज्यों की त्यों बनी हुई है। महेंद्र सिंह जी, तमाम मुद्दों का जिक्र हो चला है, गाँव को आदर्श बनाने की बात है, शहरों को आप स्मार्ट कर रहे हैं, गाँव कब स्मार्ट होंगे, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, बेटियां पैदा हो रही हैं तो कोई आर्थिक सहायता इस गांव में नहीं मिल रही है, जच्चा बच्चा जैसी योजनाएं फेल साबित हो रही हैं,
टीकाकरण के लिए आपको दूसरे गांव जाना पड़ता है, खुद के ट्रांसपोर्ट से या खुद के पैसे खर्च करके ट्रांसपोर्ट का आपको जुगाड़ करना पड़ता है, उसके बाद आप जाते हैं। तो ये किस तरह का है, कैसे जिले में जिसको कि हम स्मार्ट सिटी बना रहे हैं? देखो भुवन जी, आपने जिन बातों का जिक्र किया उसमें से बहुत सारी बातें निकलती है, बहुत इसमें यानी कि क्या कहा जाए ऐसी स्थिति में। बहुत सीधी सी बात है, आपके चैनल के माध्यम से ही दो दिन पहले मैं यहाँ से कह के गया था कि जब तक शासन और प्रशासन में लोक लाज नहीं होगा, इतने काम नहीं होगा, लोगों को राहत नहीं मिलेगी। आप खूब योजनाएं बनाइए, खूब सर्वे करिए, समस्याओं को जानिए, कोई नहीं रोक रहा है, आपका काम है, लेकिन उनको करिए भी तो सही। सबसे मुख्य बात, जिस गांव का हम जिक्र कर रहे हैं, क्या ये मॉडल विलेज है? अगर ये मॉडल विलेज नहीं है तो आसपास कौन सा गांव मॉडल विलेज है? यानी कि मॉडल विलेज का जो कंसेप्ट है वो ये है कि आसपास के गांव में भी उसका इम्पैक्ट आना चाहिए, उसका प्रभाव आना चाहिए, वो एक बहुत महत्वपूर्ण कंटेंट है। और दूसरी बात ये है, एक जो बहुत नई बात है वो ये है कि इस समय जो पंचायत चुनाव चल रहे हैं, इस पंचायत चुनाव में ये गाँव किस तरह का फैसला लेने जा रहा है। चलिए, बीरेंद्र सिंह चौहान हमारे साथ बीजेपी के प्रवक्ता इस वक्त फोन लाइन पे हैं, अरविंद भारद्वाज जी इनेलो प्रवक्ता हमारे साथ हैं, साथ ही साथ केवल ढींगरा कांग्रेस से हमारे साथ फोन लाइन पे जुड़े हुए हैं। बीरेंद्र सिंह चौहान साहब, क्या कहेंगे आप, ये बलीपुर गांव का सूरत हाल है जहां पर तमाम वो व्यवस्था जो कि आपकी ही पार्टी ने जो केंद्र में भी है उन्होंने कायम किया, खुद नरेंद्र मोदी साहब प्रधानमंत्री हमारे वो उन तमाम योजनाओं का जिक्र करते हैं, लेकिन इस गाँव में आकर वो योजनाएं फेल होने लगती हैं, क्या कहेंगे आप? जिक्र कर रहे हैं जी, मेरे पास उसकी प्राथमिक जानकारी तो नहीं है कि मैं कोई काउंटर दावा कर सकूं या आप जो कह रहे हैं उसको काटने की स्थिति में हूं। जी, आप जो कह रहे हैं उसको मैं यथारूप स्वीकार करते हुए एक बात तो ये कहूंगा कि जो लोग नंबर वन हरियाणा का दावा करते हुए पिछले 10 साल राज करके चले गए, वो क्या कर रहे थे? ये गांव उनको हरियाणा के नक्शे में नहीं दिखता था क्या? एक सवाल उनसे पूछना बनता है। ठीक है, उनसे हम पूछ चुके हैं, वीरेंद्र सिंह चौहान साहब उनसे हम पूछ चुके हैं, लेकिन आपको क्या लगता है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बात आप ही की सरकार करती है, आप ही की सरकार साफ सफाई की बात करती है, आप ही की सरकार शौचालय बनाने की बात करती है, ये तमाम बातें होती तो है दिल्ली में बैठकर या अलग अलग जगहों में जाकर, लेकिन ये बलीपुर गांव में इंप्लीमेंट क्यों नहीं होती है? क्यों अब भी यहाँ के लोग कच्चे मकानों में रह रहे हैं जबकि फाइलों में पक्के मकान दिखाई गए? अगर ऐसी कोई स्थिति है कि मकान कच्चे हैं और फाइलें पक्के मकान की बात करती है तो अपने आप में ये बहुत बड़े भ्रष्टाचार का मामला है। चलिए ठीक है, मैं हमारे साथ अरविंद भारद्वाज जी इनेलो से जुड़े हुए हैं, क्या कहेंगे अरविंद जी आप? नहीं, मैं चौहान साहब की बात सुन रहा था, ये कह रहे कि 10 साल जिनकी सरकार रही उन्होंने क्या किया, उन्हें क्या ये गांव हरियाणा के नक्शे में नहीं देखा? मैं पूछता हूँ, आपकी भी सरकार को आज तकरीबन 1.25 साल हो गया, आपको भी हरियाणा के नक्शे में ये गांव नहीं दिख रहा क्या? असलियत ये है कि इनका मकसद है कि सिर्फ और सिर्फ घोषणाएं की जाए बड़ी बड़ी योजनाओं की, जबकि सिर्फ योजनाओं की घोषणा करने से देहात का या गाँव के लोगों का विकास नहीं होगा। ठीक है, हमारे साथ महेंद्र सिंह जी पॉलिटिकल एक्सपर्ट इस वक्त स्टूडियो में है, वो कुछ पूछना चाहते हैं। देखो भारद्वाज जी से और जो दूसरे कांग्रेस के जो प्रवक्ता हैं, दोनों से मेरा सवाल है कि तकरीबन साढ़े छह साल तक इंडियन नेशनल लोकदल की प्रदेश में सरकार रही है, कांग्रेस की 10 साल तक रही है, सवाल इनसे भी बनता है कि आपने अपने शासन के दौरान क्या किया? आप दूसरी पार्टी को जो सवाल है, एक मिनट, देहात में सबसे ज्यादा विकास किया गया था। अरे बात गांव की हो रही है, चाहे स्कूल अपग्रेड करने की बात हो, हरिजन और पिछड़े वर्ग की चौपाले बनाने की, सबसे ज्यादा काम इन्हें लोग हुआ, 10 सालों में कुछ नहीं हुआ। भारद्वाज, ये आज समस्याएं बहुत बड़े रूप में नजर आ रही है। भारद्वाज जी, अगर आप लोगों ने काम किया तो फिर ये समस्याएं क्यों सामने आ रही है? नहीं बिल्कुल, अगर 11 साल तक अगर मरम्मत नहीं करेंगे आप सड़कों की, तो सड़कों की हालत कैसी होगी आप खुद समझ सकते हैं। परंतु सबसे ज्यादा जो विकास किया था देहात का, वो इंजनों के वक्त में ही हुआ था देहात में, उसके बाद नहीं हुआ। फिर ये गांव कैसे रह गया? कोई पैसा नहीं लगाया गया गांव पंचायत, सबसे ज्यादा पैसा पंचायत को दिया था छोटा लगा। फिर ये गांव कैसे रह गया विकास से दूर? ये भी गांव नहीं रहा, आप इसकी डिटेल में पहले जरूर काम हुए होंगे। चलिए, बेहद शुक्रिया आपका अरविंद भारद्वाज जी, वीरेंद्र सिंह चौहान साहब, केवल ढींगरा जी आपका भी हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया, महेंद्र सिंह जी आपका भी इस पूरी डिबेट का हिस्सा बनने के लिए। हम ये जानने की कोशिश इस मुद्दे के आधार पर ये कर रहे हैं कि आखिर कैसे बीते 68 सालों में जब हम आजादी के बाद आधुनिकता का ढोल पीट रहे हैं, दिल्ली में बैठकर चंडीगढ़ में बैठकर हमारे सियासतदान बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं,
तो बलीपुर गांव उन बातों से क्यों अछूता हो रहा है, क्यों वहां के लोग जागरूक नहीं हैं, क्यों वहां के लोगों को तमाम सुविधाएं नहीं मिल पा रही हैं जो दिल्ली से निकलती हैं, जिनके लिए फंड दिल्ली से आता है, सब्सिडी दिल्ली से आती है, लेकिन वो उन लोगों तक नहीं पहुंच पाती है। वाकई में हम ये कोशिश करेंगे कि सरकार इस पूरी खबर को दिखाने के बाद सरकार इस पूरे मसले को गंभीरता से लेगी और तमाम जो सुविधाएं लोगों को नहीं मिल रही हैं वो इस खबर के दिखाए जाने के बाद मिलना शुरू हो जाएंगी। आगे भी इस खबर पर नजर हम बनाए रखेंगे। फिलहाल बड़ी खबर में इतना ही, लेकिन हरियाणा न्यूज़ पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। नमस्कार।